ठीक है बेटे, तो आज मैं शुरू करने जा रही हूं कविता आपकी मनुष्यता। ओके, कैमरा क्लियर है बेटा? मेरी विजिबिलिटी यस मैम। ओके क्लियर है? तो बेटे मनुष्यता कविता आपका लेसन है, चौथी कविता है आपकी मनुष्यता कविता, और लिखी हुई है मैथिली शरण गुप्त। आपने मैथिली शरण गुप्त के भाई सियाराम शरण गुप्त के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये दोनों सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त दोनों भाई हैं बेटे। तो हमें ज्यादा कवि परिचय में ना जाके कविता की बात करनी है। तो कविता है हमारी मनुष्यता, मींस मनुष्य के साथ संबंधित है मनुष्यता। हम इसे कह सकते हैं एक तरह का ये धर्म है, एक जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, वैसे ही मेरे हिसाब से मनुष्यता एक धर्म है, ठीक है? मनुष्यता मींस ह्यूमैनिटी। इंसान है, इंसान बन के कार्य करें, इंसान की तरह कार्य करें, तो उसे हम मनुष्यता कहा जाएगा। अब मनुष्य है, देखिए पशु है, पशु पक्षी जानवर, आप लोगों ने क्या देखा होगा कि अक्सर अपने लिए कार्य करते हैं। आप चलिए, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर होम साइड, ठीक है? घरों के पास आप देखते हैं बहुत से कुत्ते घूम रहे हैं। आप कुत्तों को खाना भी डालते होंगे, अवश्य ही दूध डालते होंगे, कुछ खाने को डाल दिया, तो एक जैसे एक कुत्ता है उसके साथ पांच छह उसके पिल्ले चले आ रहे हैं, ठीक है? तो कभी भी वो जो बिच्छ है वो ये नहीं सोचती बेटे कि मेरे बच्चे पहले खाना खा लें फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, ठीक है? उसे सिर्फ अपने खाने का होता है कि यानी जिस कटोरे में दूध डाला गया है मैं पी लूं, बच जाएगा तो देखी जाएगी। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है बच्चे, आपके मदर जब भी कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए, बड़ों के लिए, पति के लिए, फिर लास्ट में अपने लिए रखते हैं। तो ये मनुष्यता है बेटे, ह्यूमैनिटी है, ये हम इंसानियत के नाते कह रहे हैं। आप ही चले तो पशु की प्रवृत्ति है बेटे, आप ही खा ले, आप पे बनाया, आप पे खा ले, अपने आप बस अपने लिए सोचना, ये तो पशु वृत्ति है, ये इंसान की वृत्ति नहीं है। मैं वर्ड बोल रही हूं वृत्ति, वृत्ति मीन्स होता है स्वभाव, ठीक है? ये पशुओं की वृत्ति है कि आप अपना ही खाना, बस अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। इंसान हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। सपोज यू आर हैविंग टू मैंगोज इन योर फ्रिज, है ना, एंड यू आर टू सिस्टर्स, आप कैसे दोनों मैंगो खा सकते हो? आपको हजम हो जाएगा? नहीं, आप अपनी बहन के बारे में जरूर सोचोगे कि मैं सारे खा जाऊंगी तो भाई उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, चलो खा भी लिया कि मुझे स्वाद लगते हैं, चल मैं आज खा ही लेती हूँ। लेकिन आप दूसरे समय में बेटे, खाने के बाद आपको ये विचार जरूर आएगा, है अगर ना खाती मैं एक दो फड़ियां रख लेती, थोड़ा सा रख लेती तो क्या जाता। ये मनुष्यता है बच्चे, ये मनुष्यता है, ठीक है? और मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा धर्म। ओके, अब इस कविता की मैं कुछ और क्वालिटीज बता रही हूं। ये कविता जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। अब ये खड़ी बोली क्या होता है? स्टैंडिंग लैंग्वेज, जो आज चल रही है लैंग्वेज, जिसे हम आज की भाषा मानते हैं, खड़ी बोली। पुरानी बोली नहीं है, पुरानी भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है कबीर जी की तरह राजस्थानी भाषा है या खिचड़ी भाषा है, नो, ये खड़ी बोली है, स्टैंडिंग लैंग्वेज, जो आज चलती है, ठीक है? इस कविता में पूरे तरीके से तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है उसने। तुकांत शब्द यानी राइमिंग कविता है, आप पढ़ोगे तो पढ़ के मजा आ जाएगा। विचार लो कि मरते हो ना, मृत्यु से डरो कभी डरो, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई नहीं सुमृत्यु तो वृथा जिए, वृथा मरे, जिया नहीं वही कि जो
मराना आपके लिए, वही वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे करे मरे चरे। तुकान शब्दों का खुल के प्रयोग है, ठीक है। कविता गे है, गे ये वो वाला गे नहीं है, गे है मतलब गाई जा सकती है कविता, ठीक है। अलंकारों का प्रयोग है इसमें, अलंकारों का प्रयोग है इसमें, ओके। फिर जोश से भरी हुई कविता है, जोश से भरी कविता है, यानी हमें पूरी हिम्मत देती है, पूरी ताकत देती है, पूरा जोश देती है ये कविता। ये हमारी भाषा शैली है कविता की, ठीक है। कविता की भाषा शैली है, भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब क्या होता है? भाषा शैली लैंग्वेज कौन सी यूज्ड है और स्टाइल कौन सा यूज है। लैंग्वेज खड़ी बोली, तुकान शब्द गाई जा सकती है ना, अलंकार है, जोश से भरी है, ये लैंग्वेज और स्टाइल दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अगर ठीक लग रहा है तो यू कैन शो मी योर थंब। वैसे कल हमने मुहावरे किए थे, अंगूठा दिखाना मींस साफ मना कर देना, पर वो अंगूठा ऐसे ऐसे होता है। आप ये जो थंब दिखाते हैं, इट मींस इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, तो मुझे चार बच्चों का थंब नजर आया बस। निशा का तो आ गया था, रोहानी टेंथ बी का भी आ गया था, अब पांचवी दक्षिता का भी आ गया, पांच बच्चों का आया, बाकी सो रहे हैं शायद। हाँ पलक, प्राची कहाँ है यार? प्राची कभी क्लास नहीं लगाती, सिमन ने भी नहीं आज क्लास लगाई, सिमन भी बच्चा पढ़ना चाहती है। वो जो चार बच्चे हैं वो तो हैं ही हैं हमारे, ना राघव, कार्तिक, नंदनी और प्रथम। सक्षम है कभी कभी आ जाता है, सक्षम डी सेक्शन का भी कभी कभी आ जाता है, मतलब ऑल आर टेकिंग लाइटली। तो बच्चे जिस समय नए सिरे से लेसन करवाया जाता है ना, जैसे आज करवा रही हूँ, जो आज करवा रही हूँ शायद मैं 3600 बार ये लेसन रिपीट करूंगी, लेकिन इस तरह नहीं हो पाएगा, ये पक्की बात है। जो सीक्वेंस आज शुरू कर रही हूँ, जैसे मैंने आज पहले कविता के बारे में, उसकी भाषा शैली के बारे में बताया, कि उस हिसाब से नहीं चल पड़ेगा। आप नोट करके देखना, जब आप पहली बार लेसन मुझसे समझते हैं और दूसरी बार समझने में बहुत फर्क होता है बच्चे। पहली बार मैं आपको भी अनाड़ी समझ के पढ़ाती हूँ कि मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है, दूसरी बार मुझे लगता है मैंने किया हुआ। चलिए चलिए, क्या देखिए यार, मैंने अभी पैराग्राफ जबानी बोल दिया था आपको, विचार लो कि मरते हो, सोच लो मरने वाले हो, मरते हो, मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। अब जब मरने ही वाले हो तो मौत से क्यों डरना भाई, मरना तो है ही एक दिन। विचार लो कि मरते हो, मरने वाले हो, अमर नहीं हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं कहते मरो, पर इस तरह मरो कि याद जो करे सभी, कि आपको सारी दुनिया याद करे। अरे रोज लोग मरते हैं और हम दूसरे दिन उनको भूल जाते हैं। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अरे मरने वाले तो हो, मरने से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसे काम कर जाओ कि दुनिया आपको याद करे, मदर टेरेसा की तरह, है ना। कुछ ऐसे काम कर जाओ कि दुनिया की नजरों में आप अमर हो जाओ। विचार लो कि मरते हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु, वाह क्या शब्द है, सुमृत्यु। हुई ना यूं सुमृत्यु, अब मृत्यु तो अटल सत्य है, सबको मरना है, पर सु मींस पॉजिटिविटी, जैसे मेरा नाम है सुनीता, नीता मींस नीति वाली, सु मींस अच्छी, यहां भी सु
सू और दू दो वर्ड होते हैं, दू जहां लग जाता है वहां नेगेटिविटी आ जाती है और सू जहां लगता है वहां पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। सू मृत्यु मीन्स अच्छी मृत्यु। अब मृत्यु अच्छी कब होगी? जब दुनिया हमें याद करेगी, ठीक है। हुई ना यू सुमृत्यु, अगर इस तरह हमारी मौत अच्छी ना हुई, वृथा जिए वृथा मरे, वृथा मरे वृथा जिए, फिर जीना भी बेकार और मरना भी बेकार। फजूल में जिंदा रहे फजूल में मरे कोई फायदा नहीं। हुई ना यू सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आपके लिए मीन्स दूसरे के लिए, जो दूसरे के लिए जिंदा नहीं ना रहता उसका जीना व्यर्थ है। जिया मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके, उसका मरना भी फजूल है। जो आपके लिए जिंदा नहीं रहता, आपके लिए मीन्स दूसरे के लिए जिंदा नहीं रहता, केवल अपना ही कार्य करना जानता है, उसका जीना और मरना व्यर्थ है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। कहता है ये तो पशु की प्रवृत्ति है कि बस अपना 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 खाना है, किसी और को पूछना भी नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए कुछ अच्छा करता हुआ मौत प्राप्त करता है, मर जाता है। जो दूसरे के लिए कुछ अच्छा करता हुआ मृत्यु की गोद में जाता है, वही व्यक्ति वास्तविक मनुष्यता के धर्म का पालन करता है, ठीक है। दोबारा देखिए एक बार, सेम पैराग्राफ दोबारा देखिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यू मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यू सुमृत्यु वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ बेटा दो तीन क्वेश्चन पैदा होते हैं। पशु प्रवृत्ति क्या है? पहला क्वेश्चन है पशु प्रवृत्ति क्या है। अब पशु प्रवृत्ति है कि केवल अपने अपने लिए सोचना, दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, मनुष्यता के बारे में ज्ञान ना होना, पशु प्रवृत्ति है, ठीक है बच्चे। एक मिनट, लाइट हैज गॉन, आई एम स्टॉपिंग। तो हम कर रहे थे, दोबारा देखो इसी पैराग्राफ को। विचार लो कि मरते हो, मरने वाले हो, मरने से डरना नहीं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन, सॉरी मैंने अभी बात की, क्वेश्चन बन रहा है तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सुमृत्यु किसे कहा जाता है? अच्छी मृत्यु, जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं, जब हम मरने से नहीं डरते, परोपकार के काम करते हैं, मनुष्यता के धर्म का पालन करते हैं, अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो उस मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। पीछे आइए, पाठ प्रवेश में आइए, एक पेज पीछे चलिए पाठ प्रवेश में, यहाँ चलिए पाठ प्रवेश में, देखिए सेकेंड पैराग्राफ, नहीं पहला ही पढ़ेंगे। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता है। आप कोई भी अनुच्छेद लिखते हैं सबसे पहले यही लिखते हैं, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें बुद्धि है, ठीक है। वह अपने ही नहीं औरों के हित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। बच्चे अगर हमें अंदाजा लगाएं कि मम्मी सिर्फ अपना ही खाना बनाए, पापा सिर्फ अपना ही कमाकर अपने पे ही खर्च लें, तो मुझे लगता है कभी घर का गुजारा हो ही नहीं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना, दूसरों के लिए जीना है। प्रस्तुत पाठ में कवि अपनों के लिए जीने मरने वाले को मनुष्य तो मानता है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उस मनुष्य को ही महान मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि हो दूसरों का हित चिंतन। उसमें वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद
युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु हुई सुमृत्यु हो जाती है। एक सुमृत्यु क्या होती है, सुमृत्यु किसे कहा जाता है, पशु प्रवृत्ति क्या है, दोनों पैराग्राफ्स में क्लियर हो गया। ओके जी, सेकंड पैराग्राफ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरात्मा मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी उदार तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पे बात हुई है उदार, उसी उदार, उसी उदार, उसी उदार। उदार शब्द क्या है? उदार, उदार का ऑपोजिट वर्ड होता है कृपण। कृपण मीन्स कंजूस, उदार मीन्स खुले दिल वाला। उसी उदार मतलब जो बंदा अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में पहला सोचता, वो उदार है, खुले दिल वाला है वो व्यक्ति। उदार बड़े दिल वाला मालिक है, बड़े दिल का मालिक है वो व्यक्ति। उसी उदार की कथा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस उदार की बात की गई है, किस उदार की बात की गई है? उदारता ऐसी जो मनुष्यता के धर्म में होती है, जब व्यक्ति अपना हित सोचने से पहले दूसरे का हित सोचता है, जब व्यक्ति दूसरों के भले के बारे में बात करता है, जब व्यक्ति दूसरों के दुखों के बारे में बात करता है, ठीक है, वो उदार हो जाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कहता मनुष्यता का पालन करें, मनुष्यता के रास्ते पे चलें, तो हम जो उदारता का काम करते हैं ना, सारी दुनिया उसके गुण गाती है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती बखानती मीन्स उन लोगों के नाम किताबों में दर्ज हो जाते हैं, वो लोग महान हो जाते हैं, वो लोग अमर हो जाते हैं। सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती है, यानी उनका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती बखानती मीन्स उनको हमेशा के लिए याद रखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, ऐसे उदार लोगों की धरती भी कृतार्थ है, धरती भी उनका एहसान मानती है। कृतार्थ भाव मानना मीन्स एहसान मानना, एहसान मानना। धरती भी एहसान मानती है कि ऐसे लोगों ने मेरे ऊपर जन्म लिया। बेटे हम जैसे जो स्वार्थी लोग हैं ना, ये तो कीड़े मकौड़ों की तरह धरती पे बाहर हैं। ओके, ऐसे लोग धरती पे बाहर हैं बेटा। जो लोग मनुष्यता के धर्म का पालन करके मरते हैं ना, धरती धन्य हो जाती है, अपने आप को धरती धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सदैव सजीव कीर्ति गूंजती, ऐसे लोगों को हमेशा दुनिया याद रखती है, हमेशा उनके गुणों का गान करती है। जैसे मैं मनुष्यता कविता करवा रही हूँ और मैंने किसको याद कर लिया, मदर टेरेसा को, है ना। तो उन लोगों की महानता हमेशा गाई जाती है। ओके, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसी महानता के कार्य करने वाले हमेशा सृष्टि में पूज्य जाते हैं। ओके, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव ये क्या है भाई? अखंड आत्मभाव, व्हाट इज दिस? आत्मभाव मीन्स अपनेपन का भाव, अपनेपन का भाव, अखंड, कभी खंडित ना होने वाला। बेटा हमारा भारतवर्ष तो वैसे ही जाति पाति के भेदभाव के लिए मशहूर है। जो अखंड आत्मभाव, कभी ना टूटने वाला अपनेपन का भाव लेकर चलता है, सबको एक समान मानने वाला भाव। अखंड आत्मभाव मीन्स सबको एक समान मानने वाला भाव। जो व्यक्ति सबको एक समान मानने वाला भाव लेकर चलता है, उसको सारे देश में, सारे विश्व में एक समान होने का भाव फैलाता है, वही मनुष्य है। बाकी सब तो जानवर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो अन्य मनुष्य के लिए भलाई के कार्य करता हुआ मरता है, वही वास्तविक मनुष्य है। ओके, दोबारा देखना है पैराग्राफ, दोबारा देखना है
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। किस उदार की बात की गई है? मनुष्यता, जो दूसरों अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है, दूसरों के भले की बात करता है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी उनका नाम किताबों में दर्ज हो जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए धरती अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सदीय सदा सजीव कीर्ति गूंजती, ऐसे उदार लोग हमेशा याद रखे जाते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं। ओके, उसके बाद है अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, पूरी दुनिया में कभी ना टूटने वाला भाव अगर जो व्यक्ति भरता है, वही वास्तविक मनुष्य है, वही वास्तविक वही वास्तविक व्यक्ति है, वही वास्तविक मनुष्य है। ओके, ठीक है जी, आज दो पैराग्राफ, फिर कभी नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, इतना ध्यान से एक बार पढ़ लेना, ठीक है? ओके, गुड बाय, आई एम गोइंग टू लीव द मीटिंग नाउ। कुछ पूछना तो नहीं है बेटे किसी ने दो पैराग्राफ्स में से? यू कैन अनम्यूट। नो मैम, क्लियर है ना? ओके, यस मैम, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। ओके।